नमस्कार, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल संजूस होम किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं 15 मिनट में बनके तैयार होने वाला एक रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जिसका नाम है मीठी चावल। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, काजू और कुछ बादाम लिया है, उसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, 1 से 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा साबुत काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बासमती चावल 1.5 कप लिया है, उसको मैं 15 से 20 मिनट पहले धो के भिगो के रख दिया था। अब हम इसको डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए चावल को हम घी में भून लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया है, उसको डाल दूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिया है, तो उस हिसाब से मैं 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में ढक के पका लेंगे, जब तक हमारा चावल पक नहीं जाता। अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये हो गया है, थोड़ी देर और पका लेंगे हम इसको। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। अब हमारा मीठी चावल बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। अब हमारा गर्मा गर्म मीठी चावल बन के रेडी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें, और इस बसंत पंचमी में इसको आप बना के एक बार जरूर ट्राई करें।